तो स्वागत है साथियों आपका प्यारा चैनल एके फिज क्लासेस में। और आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हुए हैं आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज, जो कि है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए। और आपको पता है कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में बिल्कुल वही गैस क्वेश्चंस होता है जो विनोद बिहारी महतो कोल्हान यूनिवर्सिटी के होते हैं, या तो कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा के होते हैं। ये तीनों यूनिवर्सिटी के क्वेश्चंस बस एक ही जैसा आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं अभी फिलहाल, लेकिन आप जो है सो एज्यूम कर सकते हैं ये जो है सो आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी के लिए भी है और विनोद बिहारी महतो कोल्हान यूनिवर्सिटी धनबाद के लिए भी है, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, और ये किन के लिए है, तो सेमेस्टर 5 के लिए है। और सेमेस्टर 5 में से ये है पेपर 12, और पेपर 12 का नाम क्या है प्यारे दोस्तों, तो पेपर 12 का नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। और इसी में हम लोग बात करते हैं सॉलिड स्टेट में क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड, सॉलिड स्ट्रक्चर का, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, मिलर इंडिसीज का, और इंटरप्लेनर स्पेसिंग का, बीसीसी एफसीसी का, और इस तरह से पूरी डिटेल मैंने पढ़ा चुका है। आप चाहें तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पूरा लेक्चर देख सकते हैं जो कि प्रेजेंट है, आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज का जो डिस्कशन टॉपिक होगा वो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि आज का जो डिस्कशन टॉपिक है वो क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं डिस्कशन टॉपिक में, सबसे पहला बात करेंगे एग्जाम्स का पैटर्न किस तरह रहेगा, क्वेश्चंस आपको किस तरह पूछे जाएंगे, और दूसरा चीज़ बात करेंगे हम कि ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे वो या रहेंगे या नहीं रहेंगे, या तो फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। पहले होता क्या है कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर दिया जाता है बच्चों, कंपलसरी कर दिया जाता है, ठीक है। और जब क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी हो गया, इसका मतलब इसमें से आपको क्या रहेगा, 6 क्वेश्चंस रहते थे पहले, उसमें से आपको ओनली 3 लिखना रहता था, और हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का हो जाता था, 15 मार्क्स। लेकिन अब कुछ समय से, जब से ये क्या हुआ, कोविड आया है हमारे पास, जब से क्या हुआ कोविड-19 आया है, तब से यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये जो क्वेश्चंस है ये सब्जेक्टिव ना लिख करके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। तो क्या अब की बार भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेगा या फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, क्या रहेगा, ये हम लोग भी डिस्कस करने वाले हैं। और तीसरा चीज़ जो यहाँ पर हमने नहीं बताया, तीसरा चीज़ हम लोग डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस आएंगे, डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस आएंगे उनका हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि क्या होती है आखिर में उनका गैस क्वेश्चन, या तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर आज गैस करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी मैच करने वाले हैं आपके सिलेबस से, बिल्कुल मैच कर जाएगा, हम इतना बोल रहे हैं, आप लोग को ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये प्यारा सा चैनल जो लोगों देख रहे हैं, आपका ही चैनल है, आप लोग इसमें बहुत सारा प्यार और विश्वास देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिए तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरे पेज में, जो कि है यहाँ पर हमारा, सबसे पहले आपको चैनल का लोगो दिखेगा, इसके बाद यहाँ पर दिखेगा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जो हमारा पहला टॉपिक है डिस्कशन का, वो है पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, ओके। एंड द नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखने चाह रहे हैं कि जो एग्जामिनेशन होंगे वो कितने 10 जो है सो यहाँ पर मिक्स रहेंगे, मिक्स मतलब एमसीक्यू भी रहेंगे और फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। और ये दोनों मिला के रहेंगे कितना, टोटल 10, ठीक है। अब ये 10 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन रहेंगे कितने मार्क्स का, 1.5 मार्क्स का, तो ये टोटल आपको कितना दे देंगे, टोटल देंगे आपको 15 मार्क्स, टोटल 15 मार्क्स आपको ये देने वाले हैं, ठीक है। और ये कंपलसरी है, ये आपको 100% रहेगा ही रहेगा। तो इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज है, मतलब इसमें जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, अगर आप लोग को जानने की इच्छा है, अगर जानने की तीव्र इच्छा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इसके बाद हम इस पर भी वीडियो लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में क्या रहता है, सबसे ऊपर में लिखा हुआ रहेगा आपका एंसर एनी 4 क्वेश्चंस, क्या लिखा हुआ रहेगा, एंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन विच 1 इज कंपल्सरी, तो 1 हो गया कंपल्सरी का बात कर लिए, लेकिन बाकी के जो 3 क्वेश्चन बच जाते हैं वो देखिए आपको इस तरह के रहेंगे, देर विल बी 3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस विच यू हैव टू राइट, जिसको आपको लिखना है, और विच विल गिव 15 × 3 = 45 मार्क्स, ठीक है, जो आपको कितना नंबर देंगे, 15 और 3, मतलब 15 नंबर का रहेगा एक क्वेश्चन, तो 3 क्वेश्चन का हो गया 45 मार्क्स, और ये आपको लिख के आना है,
टाइम रहेगा आपके पास 3 आवर्स, सेंटर पर अच्छे से जाइए और एग्ज़ाम लिख करके आइए, क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक आया था उस समय से क्या है, जितने भी कॉलेजेज हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं और इवन ट्यूशन क्लासेस हैं, ट्यूशन सेंटर्स भी सबको स्टॉप कर दिया गया था, क्लोज कर दिया गया था, और इसी महामारी में आप लोग भी आते हैं तो इसमें आप लोग का जो क्लास है वो रेगुलर नहीं हो पाया, इसके वजह से आपको MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर आ गए हैं फिर से नेक्स्ट पेज में, जो कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। इसमें से सबसे पहला है, व्हाट आर मिलर इंडिसेस, मिलर इंडिसेस क्या होती हैं और हाउ आर दे ऑब्टेंड, इसको ऑब्टेंड कैसे किया जाता है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेटिंग इंटर प्लेनर स्पेसिंग, मतलब इंटर प्लेनर स्पेसिंग, दो प्लेन के बीच जो है सो स्पेस, मतलब डिस्टेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दो प्लेन के बीच में, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, यही आप लोग को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर आपको जो है सो कुछ दे दिया जाएगा, जैसे मिलर इंडिसेस दे दिया जाएगा 111 और दूसरा प्लेन का दे दिया जाएगा 101, इस तरह से कुछ दे दिया जाएगा और आपको जो है सो डिस्टेंस कैलकुलेट करके दिखाना है। तो इस टॉपिक पर भी मैंने वीडियो बना के रखा है, आप लोग जो है सो उसको चेक कीजिए और अपने भविष्य को बनाइए, ठीक है, वीडियो को देखते रहिए। नेक्स्ट है, व्हाट आर ब्रिलियंट जोन, ब्रिलियंट जोन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है, ब्रिलियंट जोन आपको ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट में यहाँ पर जो है वो कलर चूंकि चेंज हो गया तो आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम बता देते हैं, यहाँ पर है डीराइव एक्सप्रेशन फॉर फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एन इन्फानाइट चेंज आइडेंटिकल एटम, ठीक है। जैसे आइडेंटिकल एटम यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक एटम हो गया, दो एटम हो गया, तीन एटम हो गया, चार एटम, इसी तरह से इन्फानाइट चेन है और उनके बीच में क्या है जो वाइब्रेशन होती है, उन वाइब्रेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो निकाल के बताना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 4 क्वेश्चन, और 5वां क्वेश्चन जस्ट आपके सामने जो 3 साल लगातार पूछा जा रहा है, कॉनिंग पेनी मॉडल। कॉनिंग पेनी मॉडल अगर आप चाहिए तो इसको कमेंट कीजिए, हम तुरंत इस पर वीडियो बनाएंगे एज फार एज पॉसिबल, तो इसको कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट में है हमारे पास यहाँ पर जो मिल जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 6, वो कुछ भी नहीं जबकि हॉल इफेक्ट है और ये पूछा जाता है क्वेश्चंस, हॉल इफेक्ट ध्यान में रखेंगे, हॉल इफेक्ट पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है हॉल इफेक्ट। और नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिक डोमेन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो कब आएंगे सर, तो नेक्स्ट वीडियो सिर्फ और सिर्फ उसी समय आएंगे जब इस वीडियो में 500 व्यूज जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा, और चूंकि ये 3 यूनिवर्सिटी का है ना, तो 3 यूनिवर्सिटी में 500 बच्चे तो आसानी से होंगे फिजिक्स के, इवन 1 यूनिवर्सिटी में 10,000 बच्चे होते हैं फिजिक्स का, तो उसमें भी ज़रूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि डीबे थ्योरी जो होते हैं, डीबे थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि आइंस्टीन थ्योरी को पूछा जा चुका है 2016 वाले बैच में, आइंस्टीन थ्योरी पूछा जाता है 2016 में, और 2017 में पूछा गया है डीबे थ्योरी, और 2018 में एग्ज़ाम हुआ था लेकिन इम्पोर्टेंट मतलब कि उसका क्वेश्चंस नहीं मिल पाया, तो आप लोग को 2017 वाला ही चीज़ पूछा जाएगा 2019 में, ठीक है। और नेक्स्ट है ब्रैक्स लॉ, जिसको आपने यूज किया है डिवीजन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में, वहाँ से भी इसको पूछा जाएगा ब्रैक्स लॉ, ठीक है, डिवीजन और जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें आपने इसका यूज किया होगा, ओके। तो डिवीजन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में यूज़ किए थे ब्रैक्स लॉ, उसी ब्रैक्स लॉ को यहाँ पर डिराइव करके बताना है, ओके। और द लास्ट क्वेश्चन, विच इज द लास्ट क्वेश्चन है, लैंगविन थ्योरी ऑफ डायामैग्नेटिज्म, मतलब डायामैग्नेटिज्म का जो लैंगविन थ्योरी है वो क्या है, आपको यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जो है सो अब हम लोग क्या करते हैं, चैनल को स्टॉप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कुछ जनरल टॉक हम लोग को करनी है जिसमें हमारा अगले क्लास के बारे में बताया जाएगा। जिस तरह से वीडियो आप अभी यहाँ पर हमारा देख पा रहे हैं, एज यू कैन सी माई वीडियो, जिस तरह से आप वीडियो मेरा देख पा रहे हैं, इसी तरह से आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे जिस तरह अनअकैडमी और बायजूस में होती हैं, ठीक है। तो जिस तरह से बायजूस और अनअकैडमी में होते हैं लाइव क्लास, ठीक है, उस तरह से आपको क्या होगा यहाँ पर क्या बोलते हैं कि लाइव क्लास लिया जाएगा, ठीक है,
अनएकेडमी और बायजू में जिस तरह से क्लास होते हैं उसी तरह से यहाँ पर आपको लाइव क्लास लिया जाएगा। अगर आप क्या बोलते हैं तैयार हैं, आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो ये जो गिवन नंबर है इस पर आप लोग जो है सो व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, ठीक है। अगर आप तैयार हैं तो कोर्स का फीस स्ट्रक्चर सब कुछ वहीं पर बताया जाएगा और बिल्कुल भरोसे के साथ पूरा का पूरा सिलेबस समय से पहले कंप्लीट कर दिया जाएगा। इलॉन्ग विथ आपको नोट्स भी मिलेंगे और नोट्स के साथ मिलेंगे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का भी एक बुकलेट हम आपको देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये तीन चीज़ मिलेंगे। सबसे सस्ता कोर्स है, आप लोग इसको आसानी से अफोर्ड कर सकते हैं। अगर पैसे नहीं है तो आप लोग कहिएगा, किस्त बाय किस्त में देने का भी सुविधा उपलब्ध करवा देंगे। जितने भी सेमेस्टर फाइव के दोस्त हैं सब लोग को कहते हैं कि अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, और अगर क्लास करनी है तो यहाँ पर आप लोग लास्ट तक बने रहिए और मेरे नंबर पर आप लोग जो है सो कॉल कर सकते हैं, या तो कॉल नहीं तो कम से कम एटलीस्ट व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद, और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को देखते रहिए।